आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 27 मई हो गई है और अब मानसून में बहुत ज्यादा देरी नहीं है, 4-5 दिनों के अंदर मानसून केरल पर दस्तक दे देगा और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो एपिसोड था, जो समुद्री तूफान रिमल, वो लैंडफॉल कर चुका है। आपने देखा होगा कि मूसलाधार बारिश उससे दी है गंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी इलाकों में, उत्तरी तटे उड़ीसा में भी बारिश हुई है और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और सबसे अच्छा यह था कि वो उसने जो लैंडफॉल किया था तो ये डेल्टा एरिया से होकर के गया था, जिससे काफी ज्यादा नुकसान से हम बच गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश है वो पूरी तरह सुरक्षित है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश हुई है कई इलाकों में, 24 परगना वगैरह में, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब ये कमजोर पड़कर डीप डिप्रेशन बन गया है, उसके बाद बेलमांग लो प्रेशर एरिया बनता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना अब बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो राजस्थान और गुजरात में हवाएं थी वो बदल गई हैं और ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं जो अरब सागर से आ रही है, जिसके कारण तापमान गिरना शुरू हो गए हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में अभी फिलहाल हमें कोई भी यानी कि कुछ एक तरह से रिलीफ नहीं मिलेगा, गर्मी लगातार बनी रहेगी। हवाएं अब अगले 24 से 48 घंटों के अंदर पश्चिमी हो जाएंगी और उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन हाँ 40 डिग्री के नीचे तापमान जाने की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से पूरा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चकी, दादरी, गुरुग्राम, दिल्ली और ये दिल्ली एनसीआर, ये सारे इलाके गर्म रहेंगे, शुष्क रहेंगे। अब यहाँ पर तापमान बढ़ सकते हैं क्योंकि जो पूर्वी हवाएं थी जो तापमान को थोड़ा कंट्रोल में की हुई थी लेकिन उमस भरी गर्मी बना रही थी, उससे राहत मिल जाएगी। पश्चिमी हवाएं तापमान बढ़ा सकती है, गर्म हवाएं होती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उमस से छुटकारा मिल सकता है। और एक और बात है कि जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो अरब सागर से राजस्थान और गुजरात में आ रही हैं वो धीरे धीरे नमी बढ़ाएंगी। अभी तक यहाँ पर नमी नहीं थी, ट्रफ बनी हुई थी, लेकिन मॉइस्चर जब तक नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी। बादल जो बन रहे थे वो बारिश वाले नहीं थे। अब नमी धीरे धीरे बढ़ेगी 3-4 दिन में, तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 जून के आसपास यहाँ पर जब नमी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे, तो जो धूल भरी आंधी और जो बौछारें पड़ती हैं वो पड़ने की संभावना 1-2 जून को दिखाई दे रही है दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में। अभी मतलब ऐसा लग रहा है और उसके बाद में हम अपडेट करते रहेंगे, यानी कुछ राहत तो दिखाई दे रही है। अभी तक जो सूखा मौसम था, प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव थी पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में, उससे कुछ रिलीफ मिलने की संभावना अब नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह शुष्क रहेगा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, कानपुर, लखनऊ, औरैया, झांसी, ललितपुर, महोबा से लेकर के ये जो आपका रायबरेली, अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। पूर्वी बिहार में हल्की बौछारें पड़ी हैं, अभी भी बादल वगैरह छाए रहेंगे, हल्की फुल्की रहेगी बारिश रहेगी। चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, गया और पटना, ये सारे इलाके सूखे और गर्म बने रहेंगे। और उसी तरह से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा 50 डिग्री तक आपने देखा पलौदी में पहुंच गया था, 48 से भी ऊपर पहुंच गए थे कई इलाकों में, अब यहाँ पर तापमान गिरे हैं, 2-3 डिग्री गिरे हैं और भी 1-2 डिग्री गिर सकते हैं, यानी 45-46 के बीच में कई इलाकों में तापमान आ जाएंगे और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी क्योंकि जो हवाएं हैं वो समुद्र से आ रही हैं, अरब सागर से आने लगी है। मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कोई राहत नहीं है और जो ये जो अलीराजपुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, शाजापुर, इस इलाके में थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेगा क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवाएं आएंगी और यानी कि जून के पहले हफ्ते में कुछ इलाकों में हो सकता है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी इस इलाके में हो जाए, लेकिन अभी इसे कहना मुश्किल है, ये एक अंदाजा अभी से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर जो साइक्लोन का असर है उसके कारण थोड़ा बहुत बादल छा सकते हैं, बाकी इलाके गर्म और शुष्क बने रहेंगे। झारखंड के पूर्वी इलाकों में अभी भी बारिश हुई, हल्की बारिश हुई, अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी इलाके जैसे कि आपके जो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, डाल्टोनगंज, ये सारे काफी ज्यादा शुष्क और गर्म बने रहेंगे। उड़ीसा में जो खतरा है वो टल चुका है, अभी उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी, कोस्टल एरियाज में बारिश रहेगी। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से अगले 2 दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है कोस्टल एरियाज में और जो समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना अभी भी बनी हुई है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन अब चिंता वाली बात नहीं है, खतरा पूरी तरह से टल चुका है यहाँ से।
अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपको मालूम है कि जो बनासकांठा, साबरकांठा, महसाणा, पाटन, रण ऑफ कच्छ, ये सब इलाकों में जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हुआ है, थोड़े से गिरेंगे और गिर जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी से राहत अभी फिलहाल नहीं मिलने वाली है। बारिश की संभावना अभी फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, इन इलाकों में 1-2 जून को बारिश की संभावना हल्की फुल्की हो सकती है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र कोस्टल एरिया आज में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में बारिश हो रही है, अब रायगढ़ और पालघड़ और मुंबई, थाने, डहाणू, इन इलाकों में भी हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है अगले 2-3 दिनों के दौरान। यानी बादल छाएंगे, एक आध जगह बूंदाबांदी होगी, हल्की फुल्की बौछारें होगी, इस तरह से रहेगा। यानी टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में लगता है 1-2 जून में बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो विदर्भ मराठवाड़ा है वहां पर मौसम अभी गर्म और शुष्क बना रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो रही है, अब धीरे धीरे कम हो जाएगी और उत्तरी पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अब जो खतरा टल गया है, धीरे धीरे मौसम यहाँ पर सुधरने लगेगा और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आएगी। लेकिन अब उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 2 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। कई इलाकों में हैवी रेनफॉल हो सकता है, तेज हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि डीप डिप्रेशन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बनकर कमजोर रहेगा। 28 तारीख से काफी ज्यादा राहत यहाँ पर मिल सकती है। कर्नाटक में जो भारी बारिश हो रही थी वो कम हो गई है। कोस्टल एरिया आज में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, मॉडरेट शावर्स भी हो सकते हैं। बेलगावी से लेकर के होनावार, कारवार, मैंगलोर, ये जो इलाके हैं ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश होगी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मौसम लगभग साफ रहेगा, बादल छा सकते हैं, 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में कोई वेदर एक्टिविटी खास दिखाई नहीं दे रही है, कहीं कहीं बादल छाएंगे, खंड वर्षा हो सकती है 5-10 मिनट की, उसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में भी बादल वगैरह छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन वेदर एक्टिविटी कोई ज्यादा इंटेंस नहीं होगी। और उसी तरह से अगर तमिलनाडु की बात करें तो नीलगिरी हिल्स में बौछारें पड़ सकती हैं, दक्षिणी तमिलनाडु हल्की बारिश हो सकती है। कोस्टल एरियाज में मौसम लगभग साफ रहेगा, बादल वगैरह छा सकते हैं। केरल में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी उसमें काफी ज्यादा कमी आई है, पहले आपने देखा होगा 100-150 मिलीमीटर की बारिश हुई थी, अब क्योंकि सर्ज कम हो गई है तो यहाँ पर मानसून आने तक बारिश हल्की ही रहेगी। मानसून के दौरान में भी झमाझम बारिश नहीं होगी, लेकिन हाँ मानसून समय पर आने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में अभी बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 जगह पर हैवी स्पेल हो सकता है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा क्लाइमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।